नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक बात अक्सर कही जाती है कि सच जो होता है उसे कितना भी नीचे दफन कर दो वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। जैसे कि बिग बॉस ओटीटी ने बिग बॉस के पिछले सीजन के सच को सामने लाके रख दिया है। बिग बॉस के पिछले सीजन स्पेशली सीजन 13 में इतनी धक्का मुक्की हुई, इतना वो एक गुंडा जो था कंटेस्टेंट, इतनी उसने धक्कम दुक्की करी, गुंडागर्दी कर दी, लेकिन उसे सजा देने के बजाय सिर्फ 2 वीक का नॉमिनेशन मिलता था और ट्रॉफी पकड़ा दी जाती थी। एक और नल्ली बिग बॉस 14 की जो खुद को स्ट्रांग वुमन बोलती, लोग उसे टीआरपी क्वीन, अरे भाई विडंबना देखो, वो नल्ली घर में बैठे बैठे बिग बॉस 14 के ओल्ड एपिसोड देख रही है, और जिसे ये लोग भगोड़ा बोलते थे वो अपने कॉन्सर्ट वगैरह कर रहा बिजी है, और कहीं ना कहीं रूबीना खुद की बोल पट्टी भी खोल रही है। जिसे टीआरपी क्वीन बोला जाता था उसका शो खच्चर टीआरपी की वजह से बंद होने वाला है। तो ऐसे लोग जिन्हें बढ़ा चढ़ा कर कई लोगों ने प्रस्तुत करा, मेकर्स ने ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते थे, हिंसा करते थे, उन्हें सजा देने के बजाय ट्रॉफी पकड़ा दी। कहीं ना कहीं मेकर्स अब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं या फिर खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। एक तरफ वो हिंसा करने के जुर्म में जीशान को बाहर निकाल देते हैं, वहीं बैक टू बैक हिंसा करने वाला, बैक टू बैक पुश करने वाले और राखी सावंत के ऊपर बाल्टी भर के गंदा पानी फेंकने वाली रूबीना को ये लोग ट्रॉफी दे देते हैं, विनर बना देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, कोई नेपोटिज्म नहीं होता। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही बिग बॉस ओटीटी के आने से, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जो मैं अपने वीडियो में बोलता था, वो स्टेटमेंट अब बहुत सारे वो लोग भी बोलने लग गए हैं जो मुझे ट्रोल करते थे, अब्यूज करते थे और मुझे गालियां देते थे, मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाते थे, कहते थे कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, नेपोटिज्म नहीं होता। अब वो तमाम लोग थूक थूक कर चाट रहे हैं। ये वही लोग हैं जो शुक्ला की धक्कम दुक्की को जस्टिफाई करते थे, कहते थे भाई इंस्टिगेट क्यों करते हो। अब ये लोग कहने लगे इंस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ द गेम, धक्का मुक्की नहीं है। लेकिन शुक्ला के टाइम पर धक्का मुक्की थी, वो बड़े दांत वाला डायनासोर तो अलग ही दुनिया में चलता था। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, आप चाहें तो देख लें, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। और अगर आपने भी उस घटियापंथी को सपोर्ट करा, जस्टिफाई करा है, तो भाई प्रायश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी झूठा आडंबर रच लो, सच जो होता है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। जैसे बिग बॉस का सच सामने आ गया, उनके कंटेस्टेंट का सच सामने आ गया कि वो क्या थे, डे वन से स्क्रिप्टेड विनर थे, प्लांड विनर थे, इसलिए उनकी धक्का मुक्की, उनके रूल तोड़ने वाली आदतों को भी बिग बॉस ने इग्नोर करा। लेकिन अब यहां जीशान, अब भाई कलर्स का शो है ना, और जी को ये क्यों अलाउड करेंगे। तो कलर्स के शो में जी ने थोड़ी सी भी अगर धक्का मुक्की कर दी तो उसे फटाक से निकाल दिया गया, लेकिन कलर्स के फेस धक्का धुक्की करें, ये इवन वो मर्डर भी कर देते तब भी बिग बॉस उन्हें नहीं निकालता। वह इंटेंसिटी देखता, रिएक्शन एक्शन देखता और ट्रॉफी पकड़ा देता, और बाहर बैठे दोस्त दोस्तों से लेकर बड़े दांत वाले डायनासोर, फूफा फूफी और वो टुल्ला कुत्ता वुत्ता, वो सब उसे तलवे चाटते और जस्टिफाई करते, और लोगों ने देखते भी और मुझे आके ज्ञान देते कि भाई सच देखो। ऐसा ना भाई कि हमसे बढ़िया और अच्छे तरीके से बिग बॉस का सच ना कोई दिखा पाया है ना कोई दिखा पाएगा। दिक्कत बस यही कि हम शुगर कोट बातें नहीं करते हैं, और ना ही हमारे अंदर कोई मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो कि दूसरे लोगों के अंदर है, तलवे चाटने की, सेलिब्रिटीज को व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह भेजने की ताकि प्रमोट हो जाए, ये ज्यादा रीच हो जाए। हमारे अंदर ये टेक्निक नहीं है, हम ये हथकंडे नहीं अपनाते, हम कड़वा सच मुंह पर बोलते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन सच तो सच होता है, आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन एक न एक दिन वो बाहर आता ही है। जैसे अब बिग बॉस के डबल स्टैंडर्ड का सच सामने आ चुका है, बिग बॉस के डबल स्टैंडर्ड, कंटेस्टेंट के डबल स्टैंडर्ड, और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, इनके पीआर, सबके डबल स्टैंडर्ड जो है वो बिग बॉस ओटीटी ने एक्सपोज कर दिए हैं। शुक्ला को 2 वीक का नॉमिनेशन मिलता है, रूबीना को नॉमिनेशन मिलता है, लेकिन उसको जीशान को उठा करके आपने बाहर निकाल दिया। आप सुनने में आया कि सोशल मीडिया पर जो आउटरेज हुआ है, सोशल मीडिया पर जो मेकर्स की दोगलेपन, डबल स्टैंडर्ड की पोलपट्टी खुली है, उससे डरकर मेकर्स ने जीशान को सीक्रेट रूम में भेज दिया है, ऐसी कुछ बातें आई हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, कहीं ना कहीं मेकर्स का डबल स्टैंडर्ड, शुक्ला धक्का मुक्की करे, गुंडागर्दी करते, रूबीना आप देख लीजिए कि वो कंटेस्टेंट जिन्हें मेकर्स डे वन से अपना एक प्रोजेक्टेड विनर बना करके लाते हैं, वो अगर रूल तोड़ता है, अंग्रेजी में बात करता है, हिंसा करता है, तो बिग बॉस के मुंह में दही जम जाता है और बिग बॉस की आंखों में मनीषा बिंद हो जाता है, क्योंकि जो मनीषा बोलती है वही बिग बॉस करता है। और जो प्रोजेक्टेड विनर्स होते हैं उन्हें रूल तोड़ने के लिए, हिंसा करने के लिए इनाम मिलता है, मजा मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कलर्स फेस नहीं है या कलर्स का स्क्रिप्टेड विनर नहीं है, वो बंदा अगर एक रूल थोड़ा सा भी तोड़ देगा ना, तो या तो बिग बॉस उससे कैप्टनसी छीन लेंगे, जैसे कि निशांत मलकानी से छीन ली गई थी अंग्रेजी बोलने पर, लेकिन यहां हम देख रहे हैं शमिता और पिछले सीजन रूबीना वगैरह कितनी अंग्रेजी में बातें करते थे, या फिर जीशान खान जो कि कलर्स फेस नहीं है, और कलर्स के शो में जी का क्या काम, क्योंकि जीशान को जी बोला जाता है, तो कलर्स वाले जी को क्यों पसंद करेंगे। इसलिए जीशान को निकाल दिया गया हिंसा करने के लिए। लेकिन यही बिग बॉस
हिंसा करने वालों को ट्रॉफी दे देता है, विनर बना देता है, बाहर उनके पीआरस उस हिंसा को जस्टिफाई करते हैं। अब सडनली ये सारे लोग अपने अपने डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, थूक थूक कर चाट रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं हिंसा तो अलाउड ही नहीं है। जब हिंसा अलाउड ही नहीं है तो फिर शुक्ला की हिंसा कैसे जस्टिफाई कर दी तुम लोगों ने? चुल्लू पर पानी मिले तो डूब मरो बे, ऐसे लोग और ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले देखने वाले लोग भी कहीं ना कहीं चुल्लू पर डूबने लायक ही हैं, क्योंकि उनमें खुद में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। उनका फेवरेट अगर मर्डर भी कर देगा तो वो लोग उसको भी जस्टिफाई करेंगे, फिर इंसानियत की बातें करेंगे, न्याय की बातें करेंगे। जबकि मेरा स्टैंड तब भी फर्म था, हिंसा के रूल तोड़ने के मैं अगेंस्ट तब भी था, आज भी हूं। और अगर जीशान का इविक्शन गलत है तो फिर शुक्ला को इविक्ट क्यों नहीं किया, और अगर शुक्ला को इविक्ट नहीं किया तो फिर जीशान को इविक्ट क्यों किया? ये जो डबल स्टैंडर्ड है बिग बॉस के, ये आपके सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद लोग अभी भी अपनी अंधी जो लॉयल्टी होती है एक सेलिब्रिटी के प्रति, उससे बाहर नहीं आएंगे और तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे लोग अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो एक पीआर मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं, जिन्हें इसीलिए हायर किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का हगा साफ करें। और ऐसे लोग फिर दूसरों को आके बोलते हैं न्याय की बात करो। भाई हम तो सदा से न्याय की ही बात करते हैं, सच की ही बात करते हैं। एनीवे आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि जीशान का अगर इविक्शन सही है, ऑब्वियसली हिंसा की है तो उसको इविक्ट होना ही था, लेकिन शुक्ला को भी तो करना था, रूबीना को भी तो करना था, लेकिन नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मेकर्स के जो फिक्स्ड विनर हैं, मेकर्स उनको आगे लेके आते ही हैं, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे। उसके बाद मेकर्स बोल देते हैं कि ये कंटेस्टेंट को तो पब्लिक ने जिताया है, पब्लिक ने ट्रॉफी दी, ये वो सब पब्लिक के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। मेकर्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के कंधे पर बंदूक रख के चलाकर अपना एजेंडा सेट करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और हम तो पब्लिक को जगाने में तब से लगे हैं, जाग रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को। आप दूसरे फेक चैनल्स तो बहुत ज्यादा देखते हैं जो अफलातूनी हरकतें करते हैं, थुक थुक कर चाटते हैं, लेकिन हमारा जो एक फर्म स्टैंड है जिस पर हम पिछले 2-3 सालों से टिके हुए हैं, हमारा स्टैंड, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी बातें समय के साथ सही साबित हो रही हैं। हम तो बस इसको भगवान का न्याय मानते हैं। इस नोट के साथ वीडियो खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।